तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास लैब में यूज होने वाले दो इक्विपमेंट्स। इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क, जो नीचे से फ्लैट होता है, ऊपर से नैरो होता है इसकी तरह, और ये बिल्कुल कोनिकल की तरह दिखता है, कोन की तरह दिखता है, तुमने 10th क्लास में भी देखा था। और हमारे पास ये दो साइज में अवेलेबल है। देखो, एक जो 75 से 150 ml तक की मार्किंग होगी इसके अंदर, और दूसरा जो है हमारे पास वो 100 से 250 ml तक की मार्किंग होगी। इसका यूज कहाँ होता है वो हम सीखेंगे टाइट्रेशन के अंदर, पर फिलहाल के लिए आप जानिए कि ये कोनिकल फ्लास्क है। जितना छोटा होगा उतना नैरो रहेगा ये, और जितना ज्यादा वाइडर होगा उतना ज्यादा थोड़ा सा ये रहेगा। इसके अंदर अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन फिल करना है तो आप इसके अंदर फनल लगाओ, फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगाओ और फिर इसमें डालना। अभी हम मेजर करने वाले हैं कि ये 250 ml का जो कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन डालेंगे, जो मेजरिंग फ्लास्क में हमने 250 ml मेजर किया था, वो इक्वल आता है या नहीं आता है। तो इसमें डाल के देख रहे हैं, तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, इसको फिल करेंगे और इसे फनल से डालना जरूरी है, बट मैं अभी डिस्टिल वाटर लेके कर रहा हूँ। तो ये देखो 250 ml तक इसकी वैल्यू आई है, और जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसे ही हम 150 ml के लिए भी कर सकते हैं, और इसका यूज़ कहाँ होता है ये आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा।